खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद भोपाल पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। पुरानी शहर में हनुमान जयंती जुलूस में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात होगी। वहीं ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। करीब 600 पुलिस कर्मियों की कड़ी चौकसी के बीच जुलूस का गुजर होगा। और आपको बता दें, इतना ही नहीं, जुलूस डीजे पर कौन सा गाना बजेगा ये भी पुलिस ही तय करेगी। आपत्तिजनक गानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हनुमान जयंती के दिन पुराने शहर से निकलने वाले जुलूस को लेकर राजधानी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जुलूस के रूट के दौरान पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। करीब 600 पुलिस कर्मियों की कड़ी चौकसी के बीच जुलूस निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, जुलूस डीजे पर कौन सा गाना बजेगा ये भी पुलिस ही तय करेगी। और साथ ही साथ जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे आगे किसी तरह के विवाद की स्थिति निर्मित ना हो। जितने भी नगरी पुलिस क्षेत्र में जुलूस, जलसे, शौर्य यात्रा इत्यादि हैं, उसमें पुलिस द्वारा व्यापक प्रबंध किया गया है। जहां पर विशेषकर पुराने शहर में संख्या अधिक होने की संभावना है, वहां पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। साथ ही जो इसमें कार्रवाइयां पूर्व में रहती है, जिसमें पुलिस शांति समिति की बैठकें और आयोजकों से संपर्क करती है, वो भी किया जा चुका है। इसमें बीट स्तर तक बैठकें की गई है, जिसमें सभी शांति समिति के सदस्य को शामिल किया गया है। जो मुख्य जुलूस हैं, उसमें जो आयोजक हैं उनसे संपर्क करके किस प्रकार जो रूट रहेगा और व्यवस्थाएं रहेंगी, उस पर चर्चा की गई है। इसमें जो प्रबंध किया गया है, उसमें जहाँ जहाँ पर संवेदनशील स्थान हैं, वहाँ पर जो व्यवस्थाएँ की जाती हैं वो की गई हैं। और जितने भी ट्रबल मेकर्स हैं या पूर्व में जिनने इस प्रकार के जुलूस में किसी प्रकार से तनावपूर्ण माहौल बनाया, उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ की है। पुलिस का यही उद्देश्य रहता है कि जब भी त्यौहार आए तो सभी इसको शांतिपूर्वक हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाएं। इसमें पुलिस पूरा सहयोग भी करती है, जहां पर जिस प्रकार की भी पॉइंट्स आते हैं पुलिस पूरा व्यापक प्रबंध करती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर कोई भी तनावपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास करेगा तो उस पर पुलिस सख्ती से निपटेगी। हाँ, जहाँ पर सकरी गली रहती हैं पुराने शहर में, विशेषकर ऊंची इमारतें रहती हैं, वहाँ पर हाई राइज पॉइंट पुलिस लगाती है। साथ ही जो कैमरेज हैं, विशेषकर ड्रोन जो हैं, उनसे भी निगरानी रखी जाती है, जिससे ऊंची इमारतों पर और ऐसे स्थान पर जहाँ पर पहुँच पाना संभव नहीं रहता है, वहाँ पर पुलिस नज़र रखती है। साथ ही और भी पुलिस इसमें प्रबंध करती है, जिसमें कई जगह पीए सिस्टम है, उसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जो बायनोकुलर्स के साथ पुलिस के जवान रहते हैं, तैनात रहते हैं ऊंची इमारतों पे। यही उद्देश्य रहता है कि जहां से भी यात्रा निकलनी है वहां पर व्यापक प्रबंध रहे।